हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो करना होगा अपने थॉट्स पर। जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो लाइफ अपने आप बेहतरीन बनती चली जाती है, क्योंकि लाइफ वही होती है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी सोच के साथ साथ आपकी जो जिंदगी है वो भी नेगेटिव हो जाने वाली है। लेकिन अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव सोच है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी जो भी कुछ आपके साथ घटेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी है, ध्यान से सुनिएगा। एक पापा, मतलब एक आदमी, अपने घर में बहुत सारा अपने ऑफिस के काम को लेकर के बैठे थे, लेकिन जो उनका बेटा था वो बार बार उन्हें आकर के बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे थे। ये सोच करके उन आदमी को लगा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसकी वजह से ये आधा या एक घंटा बिजी हो जाए और मैं अपने काम को निपटा लूंगा। उन्होंने दुनिया के मैप को उठाया और दुनिया के मैप को उठा करके उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करके वो बच्चे को दे दिया कि बच्चे अब आपको इन टुकड़ों को जोड़ करके वापस वैसा ही नक्शा बनाना है जैसा कि पहले बना हुआ था। उस बच्चे ने उन टुकड़ों को उठाया और उन्हें जोड़ा और 10 मिनट बाद ही वो वापस अपने पापा के पास आ गया और उन्होंने कहा कि लीजिए पापा, मैंने बना दिया है दुनिया के नक्शे को दोबारा। पापा बड़े हैरान हुए, उनको लगे कि यार इतना मुश्किल काम था, इसने 10 मिनट में कैसे कर दिया। तो उन्होंने जब बच्चे को पूछा कि ये काम आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो उस बच्चे ने कहा कि पापा, इसके पीछे एक कार्टून की पिक्चर बनी हुई थी, मैंने तो सिर्फ कार्टून की पिक्चर को जोड़ा क्योंकि जब कार्टून मेरा फेवरेट था और जब मैंने देखा तो पीछे अपने आप दुनिया का नक्शा खुद ब खुद जुड़ चुका था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हर परेशानी का, हर दिक्कत का एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसे हम चाहे अनचाहे बहुत बार देख नहीं पाते हैं। तो जब भी आप कभी अपने आप को समस्या से घिरा हुआ पाएं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांत मन से इवैल्यूएट करें और किसी भी परेशानी के दूसरे पहलू को जब आप इवैल्यूएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी बहुत ही जल्द ही खत्म हो गई है। दोस्तों, इस तरह का एटीट्यूड जब हम अपनी लाइफ में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ आसान हो जाती है और हम बहुत ईजीली अपने डिसाइडेड गोल को बहुत ईजीली अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो हम आपके साथ हर वीडियो से पहले शुरुआत में शेयर करते हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएगी। और जब ये बदलाव आपके जीवन में आएंगे, तब कुछ ही महीनों बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा मोटे, घने, लंबे, मजबूत, और हम उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। लेकिन बहुत बार हम सब लोग उन प्रयासों से अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हमारी जो अप्रोच होती है वो सिर्फ बाहर होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको खूबसूरत बाल चाहिए, खूबसूरत स्किन चाहिए, तो आपको काम करना होगा अपने शरीर के अंदर। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ घर में ही अवेलेबल 5 ऐसी चीजों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके आप एक पाउडर बनाएंगे और ये पाउडर आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने के साथ साथ आपके बालों को मजबूत भी करेगा और आपकी जो चोटी, जो बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है, उसे भी मोटा बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कमज़ोर बालों के बारे में, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है बालों पर बाहर से कुछ लगा करके उनको मजबूत बनाने पर, जबकि ऐसा 100% रिजल्ट्स मिलने के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर से कुछ लगाएं और आपके बाल मजबूत हो जाएं। अगर हम अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें शरीर के अंदर से उन ट्रेस एलिमेंट्स को, उन मिनरल्स को प्रोवाइड करना होगा, जिसकी वजह से एक्चुअली बाल अपना मैकेनिज्म पूरा करता है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों हमें इस्तेमाल करनी होती है, वो होती है
महाभृंगराज। महाभृंगराज जो है वो एक नेचुरल हर्ब है जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आप इसे 100 ग्राम ले लीजिए, साबुत लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसकी वजह से इसकी मिलावट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। महाभृंगराज जो है उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और जिंक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को जो मिनिमम जो ट्रस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाती है और हमारे बाल बहुत धीरे धीरे आसानी से घने होना शुरू हो जाते हैं। नंबर दो जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें लेना है वो लेना है आंवला। आंवला जो है उसको सुखा करके आप उसका पाउडर बना लीजिए। सूखे आंवला आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। आंवला के अंदर होता है विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहा होता है वो कम हो जाता है, और जब ये साइड इफेक्ट कम हो जाता है तो हमारे बाल अपने आप बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सो हमें यहाँ पर जो आंवला पाउडर लेना है वो भी 100 ग्राम लेना है। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए काले तिल। काले तिल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, रफ, फ्रीजी हो गए हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो काले तिल जो है वो भी हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेने हैं। लेकिन काले तिल को जब आप कूट रहे हैं तो ये याद रखें कि उसे बहुत ज़्यादा ना कूटें, उसका तेल निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप इस पाउडर को ईजीली खा नहीं पाओगे। नंबर चार जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें लेना है वो है दाना मेथी। दाना मेथी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के रक्त का शोधन करता है, और इस शोधन के साथ साथ वो हमारे बालों में जितने भी ज़रूरत के मिनरल्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, उन्हें भी प्रोवाइड करने में मदद करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल मजबूत होकर के लंबे और घने होना शुरू हो जाते हैं। सो दाना मेथी भी हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेनी है। नंबर पाँच और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों यहां पर चाहिए वो चाहिए खड़ी शक्कर, जिसको कि मिश्री कहा जाता है या धागे वाली चीनी भी कहा जाता है। तो इस खड़ी शक्कर या मिश्री को लेकर के 100 ग्राम आप इसके साथ ऐड कर दीजिए और इन पांचों चीजों को अच्छे से मिलाकर ग्राइंड कर लीजिए और एक पाउडर आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। इस पाउडर को रोज दिन में 2 बार, मतलब सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले, आपको गर्म दूध के साथ लेना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर इसमें आंवला है, खट्टा होता है, दूध लें नहीं लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत आराम से इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो आंवला की जो खटास है उसको बहुत मिनिमाइज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से आप इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। अगर आप लैक्टोज टॉलरेंस हैं तो डेफिनेटली आप गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें ताकि आप इससे बेहतरीन बेनिफिट्स ले सकें। दोस्तों इसे अगर आप रेगुलर लेते हैं और 6 से 8 महीने तक आप इसका निरंतर प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, आपकी जो चोटी जो एकदम बहुत पतली हो गई थी वो मोटी हो रही है, आपके बाल घने हो रहे हैं और आपके बाल घने होने के साथ साथ लंबे भी हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि इस होममेड पाउडर को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। 16 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इस पाउडर को बहुत आसानी से ले सकता है और किसी भी तरह के एज ग्रुप में आप इसे सेवन करवा सकते हैं। सो दोस्तों मेक श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप से विदा लेता आपका नॉलेज फिन डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।